हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि अजय की इजी रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पीच जैम की रेसिपी। ये जैम आप घर पे बनाइए बिना प्रिजर्वेटिव्स के और इसे आप इंजॉय कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले पीच लेंगे, यानी कि आड़ू लेंगे। मैंने यहाँ पर 12 आड़ू लिए हैं। 12 आड़ू से हमारी जो आप ये देख रहे हैं छोटी सी बॉटल जैम की बनेगी। सबसे पहले हम पानी लेंगे और पानी के अंदर हम अपने पीचेस को डाल देंगे और हम गैस ऑन करके रख देंगे। गैस हमने मीडियम फ्लेम पे रखी है। पीचेस को इस तरह से बॉईल आने तक कुक करेंगे और उसके बाद हम इन पीचेस को निकाल के ठंडे पानी में डाल देंगे। इसे कुछ देर ठंडे पानी में रख के हम इसकी स्किन को निकाल लेंगे और इसे स्लाइसेस में कर देंगे। इसी बीच मैंने अपने ग्लास जार्स को बॉईल किया है और इसके सुखा के इसे मैं रखूँगी टू स्टोर द जैम। इस तरह से हम अपने आड़ू को स्लाइस कर लेंगे। इसके अंदर जो हमारी सीड होता है उसे हम निकाल लेंगे। इसके बाद हम एक नॉनस्टिक पैन में इन आड़ू को डाल देंगे। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पानी हमने ऐड नहीं किया है। ये आड़ू का अपना पानी है, पीचेस का अपना पानी है। हम इसको शुगर के साथ कुक करेंगे और रिड्यूस करेंगे इसको ताकि ये पानी ख़त्म हो जाए इसके अंदर जो है। इसमें मैंने आधा कप शुगर डाली है। अपने टेस्ट के अनुसार डालिए कि आपका आड़ू कितना खट्टा है। देखिए इस तरह से इन पीचेस ने अपने आप भी पानी छोड़ दिया है और जो शुगर है उसने भी पानी छोड़ा है। तो हम इसे अब थोड़ा थोड़ा मैश करेंगे इस तरह से। ये काफ़ी पानी है इसके अंदर, वाटर बहुत है इसके अंदर। तो हम इसको कुक करेंगे। मैंने यहाँ पर अपनी गैस की फ्लेम जो है इंडक्शन की फ्लेम अपनी मीडियम रखी हुई है। साथ में मैं बीच में मैश करती जाऊंगी इसे इस तरह से। देखिए बीच बीच में मैश करते जाइए। ये देखिए काफ़ी रिड्यूस हो गया है पानी इस तरह से। हम इसको मैश भी करते जाएंगे और कंटिन्यूसली हम बीच बीच में ओकेजनली इसको स्टर करते जाएंगे। अब इसमें हम आधा चम्मच नमक डाल देंगे। आप चीनी और नमक पीच में चेक करके देख सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन आपका पीच कितना खट्टा है। इसको ढक के हम थोड़ी देर यूँ पकाएंगे। देखिए काफ़ी रिड्यूस हो गया है। हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। आप चाहें तो अभी भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को अक्सर बाज़ार की तरह स्मूथ चाहिए होता है जैम। पर मैं इसे थोड़ी देर और पकाऊँगी ताकि इसका पानी काफ़ी हद तक रिड्यूस कर जाए। देखिए इस तरह से। अब हम इसके अंदर जूस डालेंगे, एक नींबू का जूस ऑफ 1 लेमन। आप अपने हिसाब से देखिए कि आपका पीच कितना खट्टा है। अब इसको मैं ग्राइंड कर दूंगी और देखिए इसे मैंने फिर से नॉनस्टिक पैन में ट्रांसफ़र कर दिया है आफ्टर मेकिंग इट एज अ प्योरे। और इसको हम कंटिन्यूसली अब हिलाते रहेंगे और जो गैस की फ्लेम है हम लो रखेंगे, लो टू मीडियम, और हिलाते रहेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्प्लिट करेगा। अब इसे हम गैस पे रखेंगे, इंडक्शन से हटा के हम इसे गैस पे रखेंगे और करीब 20 से 25 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पे कंटिन्यूसली हिलाते हुए हम इसे पकाएंगे। और उसके बाद देखिए इस कंसिस्टेंसी का जब हो जाएगा हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। देखिए ठंडा करने के बाद ये बहुत थिक हो जाएगा। ये देखिए कम्प्लीटली ठंडा हो गया है। अब मैं इसको जार में फिल कर दूँगी इस तरह से। तो 12 पीचेस से हमारा ये एक छोटा सा जार बनेगा जैम का। बिल्कुल फ्रेश जैम है। आप इसे घर पे बनाइए और बच्चों को ज़रूर खिलाइए, दे विल लव इट। इस तरह से इसको पूरी तरह से इसमें फिल करके हम इसे एयर टाइट कर लेंगे और इसे हम फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि ठंडा होके इसका अपना ही एक स्वाद होता है। देखिए हमारा पीच जैम तैयार है। इसे मैंने फ्रिज में रखा था, अब मैं इसे फ्रिज से निकाल रही हूँ। ये काफ़ी थिक हो गया है। देखिए हमारा यमी टेस्टी पीच जैम रेडी है। आप इसको जैसे खाना चाहें आप खाइए, ब्रेड पे लगा के खाइए, जैसे भी खाना है। देखिए ब्रेड पे लगा के बताती हूँ आपको, बिल्कुल मार्केट की तरह है आपका बना हुआ बट विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स। होप यू लाइक माई रेसिपी ऑफ पीच जैम। अगर आपको पसंद आई हो मेरी रेसिपी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।